दुनिया तबाही दे दहाने ते खड़ी है और दिलां दा चैन छिन चुके है और साड़ी जिंदगियां दे अंदर सकून नाम दी कोई शै मौजूद नहीं और इत्मीनान कोलो असी कोसों दूरा मीलों दूरा और नफसा नफसी ने हर किसे नु अपने हिसार अंदर जकड़ रखे है। अल्लाह अकबर, मुआशरती अकदार जवाल दा शिकार हो चुकियां ने, जुल्म और नाइंसाफी दा दौर दौरा। अल्लाह अकबर, इंज लगदा है कि एक दिन ऐ दुनिया ही जहन्नम दा नमूना बनन वाली है। क्यों? एदी मेन वजह की है, कदी गौर कीता है? इंज क्यों हुंदा है कि असी लोग किसे दा हक देण वास्ते तैयार नहीं, किसे दा हक देण वास्ते तैयार नहीं? वह किसे इंसान बंदे दा हक ते की देना है? असी लोग अपने अल्लाह दे हक अदा नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोने गौर ते करो, हालांकि अल्लाह सोने ने जी मैनू तो अनु पैदा फरमाया जी, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियबुदू। अल्लाह कहता है मैं जिन्ना ते इंसाना नू पैदा जो फरमाया है सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत वास्ते। गल समझ आई ना? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने अपनी इबादत वास्ते जिन्ना ते इंसाना नू पैदा फरमाया, और इबादत इबादत बड़िया ही इबादत ने अल्लाह दिया, ते कितनी असी लोग कितनी क इबादत दा हक अदा करने, यानी अल्लाह दे हकूक कितने क अदा करने। हालांकि ओ रब सोना है जेदे एहसानात ही अनगिनत ने, कोई बंदा शुमार नहीं कर सकता। एवें ते नहीं अल्लाह सोने फरमाया, नियमत अल्लाह ला तुहसूहा। अल्लाह दियां नेमतां अगर गिन लग जाओ, उन्हां नूं शुमार करन लग जाओ, ते शुमार नहीं हो सकदियां, गिणिया गिणती दे अंदर नहीं आ सकदियां। जिधर तेरी नजर जाएगी रब दियां नेमतां ही नेमतां, अपने वजूद बल्ले वे बल्ले वेग, अपने जिसम बन्ने नजर मार, आफाकी नजरां नाल, यानी आफाक आफाक दियां जनाब सारियां चीजां बन्ने वेग, जमीनों आसमान दियां चीजां बन्ने वेखेगा, तेनू पता चलेगा कि सारी दी सारी कायनात अल्लाह ने बंदिया अशरफुल मखलूकात वास्ते बनाई, और तेनू अल्लाह ने अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया। सारियां मखलूकां जी जी तेरी खिदमत दे अंदर लगियां होईयां। ऐ शहद दी मक्खी नू ले लो, मक्खी है मक्खी है जी, सारा दिन सारी रात, ना रात सौंदी है ते ना दिन नू सौंदी है, सारा दिन तेरी खिदमत वास्ते लगी हुई। फुल्लां तू फुल्लां नू तलाश करके मीलों दूर उड़ उड़ करके जांदी है, फुल्लां ते बैठ के रस चूस के उहदा शहद तैयार कर दिए। अल्लाह अकबर, इवें तरह अगर वेखें कदी उहदे निजाम नू वेखें, अल्लाह ने कैसी हिस्सा ता फरमाई है। शहद वाली मधुमक्खी गंदी जगह ते नहीं जे बैठदी, नापाक जगह ते नहीं बैठती। अल्लाह ने तेरी खातर एक निजाम बनाया, एक कमांडर होंदा है, कमांडर इन्हां दे छत्ते दे अंदर सब तो पहले जड़ियां छत्ते दियां मक्खियां ने उसे छत्ते च आण गियां, उत्थों ही उड़ करके जाण गियां। एक मक्खी दूसरे च नहीं जा सकती, अगर भुल भुला के कोई चली जावे तो दूसरा कमांडर उस छत्ते दी नहीं है, उन्हों जनाब डंग मारदा उहदे दो टुकड़े करके, अपने घर ही जावे। किसी के घर जाने की इजाजत मक्खी नूं भी नहीं। अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया, अगर मक्खी किसी गंदी जगह से बह के आ जाए, सब तो पहले हर मक्खी छत्ते च दाखिल होने तो पहले अपने कमांडर कोले जांदी है, वह उन्हों सुंघदा। अल्लाह ने इसे दी सुंघदा,
ते सुंगण तो बाद जे वो पास कर दे ठीक है, अगर किसी गंदी जगह से बह के मक्खी आ गई उसे जो बदबू आई है फुलां की खुशबू नहीं वो डंग मार के दो टुकड़े करके थले सुट दिंदा है। हाँ जी कितना वेख्या होएगा छत्तियां दे थले मक्खियां मरिया पईयां डिगियां। अल्लाह इतना ध्यान किया अल्लाह ने तेरी गिजा नू खालस रखण वास्ते, ओ सोनिया तेनू गिजा अल्लाह ने खालस अता फरमाई तू फिर भी उहदे च मिलावट करने तो बाद नहीं आंदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने दुध तेनू खालस अता फरमाया लेकिन तू मिलावट करने तो बाद नहीं आंदा। कहें जी की हो गया, हर चीज़ अंदर मिलावट, अकीदे अंदर मिलावट, अमल अंदर मिलावट, तू अपनी हर शह अंदर तेनू अल्लाह ने खालस गिजावां अता फरमाइया उहदे अंदर मिलावटां शुरू कर दित्तियां। ना सोने अर्श वाले ने फरमाया ए दरवे फरमाया जी मिम बैल फरसिन खालिसन सारी भी अल्लाह करीम ने तेनू ए देखो ना एक पासे खून दी नहर चल रही है एक पासे चारा चारा मुख्तलिफ रंगां दा ते डालिया गया जानवरां दे पेटां दे अंदर गया है और जनाब गोबर दी नहर भी चल रही है खून दी नहर भी चलती पई है। हाँ जनाब अल्लाह करीम ने फरमाया इन सारिया नहरां विचो तेनू खालिसन सईगल शारी भी अल्लाह ने तेनू खालस शायद खालस दुध अता फरमाया है ना उस दुध दे अंदर चारे दी अमेजश ना उदे अंदर खून दी मिलावट ना उदे अंदर गोबर दी बुसां दे। अल्लाह ने ना सारिया चीज़ा विचो फिर चारा सबद रंग दा पाया पीले रंग दा पाया खुशक चारे भी हुंदे ने मुख्तलिफ रंगां दे जिस रंग दा भी चारा डालेगा लेकिन अल्लाह करीम तेनू उहदे विचो सफेद ते बेमिसाल जेदी सफेदी दी मिसाल ही नहीं दिती जा सकती एगो जा बेमिसाल ते खालिस खुशबूदार अल्लाह ने दुध अता फरमाया। तू भावे छपड़ा दिया डड्डा में डड्डा समैती पानी पा ले छपड़ा दा है अस्तगफिरुल्लाह माज अल्लाह। वेखो यार असी मुसलमान आ फिर कहना है जी मुसलमान होंने जनाब है जी मुसलमान वाला कम साडा एक भी ना हो जे मुसलमान होंने बस मुसलमान ना दे मुसलमान रह गए सोने है जी। इस वास्ते जरा गौर नाल बात नू सुन लै अज अकीदा खालिस कर लै सुने अल्लाह दे हकूक अज मैं हकूकुल्ला बयान कर रहा अल्लाह दे हकूकी ने एक न्यू नॉलेज नाल मैं ऐलान किया सी पिछले जुमे जनाब दे सामने बयान आएगा और तुसी पूरी मेरी फन जनाब खताबत दी जिंदगी दे अंदर याम अंदर नहीं सुनिया होएगा कि हकूकुल्ला अल्लाह दे हकूकी ने तवज्जो फरमाना जरा गौर नाल बात नू सुने जे अल्लाह करीम ने फरमाया गौर ते करो ना गल नू समझ लवो। सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस मैं सुनांदा चला जावा हदीस से कुदसी है कुदसी दा की मतलब है कि यानी कुरान पाक दी आयत नहीं कुरान दी आयत होवे या नबी दी हदीस होवे ये अल्लाह दी तरफो इजाजत मिले ते नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर दे ने अल्लाह दी तरफो वही आवे ते मेरे नबी हदीस बयान कर दे ने अल्लाह दी तरफ वो आसमाना तक मसला नादल होया है अल्फाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जबान चो निकल देने अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक निकल देने हर खतीब कोलो सुन दे रहंदे हो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा मर्जी अल्लाह दी चल दी है जबान मेरे नबी दी ते मर्जी मेरे रब आसमान वाले दी गल समझे हो ना। हाँ जी इस तरह हदीस कुदसी ओनू आख्या जाता है जेडे अल्फाज अल्लाह दे होण कुरान दी आयत ना होवे लेकिन मेरे नबी अगे बयान फरन के काल अल्लाह तआला यकूल अल्लाह तआला। हाँ जी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे ने यानी इनू हदीस कुदसी बोलिया जाता है हदीस कुदसी मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाह कह दो सारे मिलके कह दो सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इधर देखना, मैं अर्ज कर रहा, मेरे नबी सोने ने फरमाया, अल्लाह फरमांदा है, हदीस कुर्सी चेंज आएगा, अल्लाह फरमा रहा है कि सारी दी सारी दुनिया, सारी दी सारी दुनिया नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे जैसी बन जाए। पूरी दुनिया जेड़ा अल्लाह तो डरने वाला मुत्तकी ते परहेजगार नेकोकार बंदा हुंदा है, सारी दुनिया नेक बन जाए। अल्लाह फरमाता है मेरी हकूमत अंदर, मेरी बादशाहत अंदर जर्रा बराबर इजाफा नहीं कर सकते। फिर दूसरा जुमला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते ने अल्लाह कह रहे इसे तरीके नाल अगर सारी दी सारी दुनिया बदकार ते बुरे बंदे जैसी, बेईमान बंदे जैसी, बुरी तो बुरी, बुरे तो बुरा बंदा उस जैसी सारी दुनिया बन जाए ते मेरी हकूमत दे अंदर जर्रा बराबर मेरी बादशाहत मेरे अख्तियारात अंदर कमी नहीं हो सकती, ना कोई इजाफा कर सकता है तुहाडा नेक अमल अल्लाह दी हुकूमत अंदर, ना तुहाडी नेकी ओदी हुकूमत अंदर किसे किस्म दा जनाब ओदी हुकूमत नू वधा सकदी है, इजाफा कर सकदी है, ना तुहाडा बुरा अमल बुरा होना गंदा होना अल्लाह दी हुकूमत अंदर किसे किस्म दी कमी ते और किसे किस्म दा नक्स भी नहीं पैदा कर सकदे। अल्लाह ने फरमाया सुन लो, इसे हदीस दे आखिर ते फरमाया, अक्सर जो बयान हुंदा रहंदा है अल्लाह करीम ने फरमाया अगर सारे दी सारे सारे दे सारे जिन अगले पिछले एक मैदान अंदर सारिया मखलूकां कठियां हो जान, हर कोई अपनी मर्जी नाल मेरे तो सवाल करना शुरू कर देवे, अल्लाह फरमा रहे है मेरे तो मंगना शुरू कर देवे, हर किसे दी डिमांड, डिमांड समझ दे हो ना, ये ते लफ्ज आम अजकल बोलिया जाता है, हर बंदे दी हर जिन दी हर इंसान दी हर मखलूक दी डिमांड दे मुताबिक ओदे सवाल दे मुताबिक ओदी मांग दे यानी मंगण दे मुताबिक मैं उन्होंने अता फरमांदा जावां फरमांदा जावां। अल्लाह कहंदा हर बंदे नूं ओदी मर्जी दे मुताबिक नवाज देवां। इत्थे इंज समझो, एक बंदा कवे अल्लाह अल्लाह मैनूं 100 जंगल 100 वादियां बड़िया बड़िया सोने दे चाहिए ने, 100 वादियां सोने दी ही होन, 100 जंगल सोने दे ही होन, अल्लाह दे देगा। एक बंदा कहंदा 1000 जंगल तो घट मेरा गुजारा नहीं, मैं तो 1000 जंगल ही चाहिए, अल्लाह दे देगा, 1 लाख मंगेगा दे देगा। जो जो मंगोगे जो जो सवाल करोगे अल्लाह कहंदा सारिया मखलूकां अपनी मर्जी नाल मंग दिया जान, मैं उन्होंने देंदा चला जावा और मेरे खजानिया दे अंदर इतनी कमी आएगी कि एक सुई नू पूरे समंदर अंदर दाखल करके निकालिया जाए जितना पानी सुई दे नाल लगेगा, सुई दे नाल जितना पानी आएगा ना, इतनी कमी का मतलब की है, एडे वड्डे समंदर जबकि यह पूरी जमीन के अंदर अगर ये 4 हिस्से कर ले जाना, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वंड की, 4 हिस्से कर ले जान ते 3 हिस्से समंदर ही समंदर है ते 1 हिस्सा खुश्की है, एडी वड्डी जमीन एक हिस्सा खुश्की है, अल्लाह अल्लाह अकबर, बाकी तरी तरी है समंदर ही समंदर पानी पानी, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। फिर पानी दे और भी समुंदर तो अलावा भी जखायर इतने ने, अगर वो शुमार किते जान ते कई कहंदे ने 8वां हिस्सा पानी पानी जमीन ते जनाब बाकी, हाँ जनाब 8वां हिस्सा खुश्की बाकी 7 हिस्से पानी पानी नजर, अल्लाह अकबर अल्लाह। है जी 1 हिस्सा 8 हिस्सों के विचों है जी जनाब 1 हिस्सा तुहानू खुशकी नजर आएगी बाकी पानी पानी है। इतने बड़े पानी समंदर दे अंदर सुबहान अल्लाह सुई दाखिल करोगे तो कितना पानी आएगा, समुंदर दे पानी नू कितना फर्क पैगा, मतलब फर्क पैना ही नहीं, इस हदीस का मतलब है कि फर्क ही नहीं पैना, अल्लाह के खजानिया च कमी आनी ही नहीं।
ते फिर ओदे कोलो क्यों नहीं मंगदे सोणिया, जिहदे खजानिया च कमी आ सकदी नहीं ओदे कोलो क्यों नहीं जे असी मंगदे। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुसनद अहमद यजीद हदीस से वसाना दहू सही हुन, ओदी सनद बिल्कुल सही है। वेखना अल्लाह सुन ए भी हदीस कुदसी जे अल्लाह फरमांदा यबना आदम तफर्रग लिइबादती, अल्लाह फरमांदा है ए आदम दिया पुत्रा आदम दिया बेटिया, समझो यबना आदम ए आदम दिया पुत्रा तफर्रग फारग हो जा लिइबादती मेरी इबादत वास्ते। अल्लाह कहता है फारग हो जा, एक तरीका ये है एक ले बादा ले बादा थी ले, और ले कितने लैके जाना है, इनू लैके कितने जाना है, इनू इत्थे ही रख लाम जेर नू इत्थे ही रख जिते कि पई है। हाँ जी अल्लाह अकबर। इधर वेखो अल्लाह करीम फरमा रहे ने ए आदम दे बेटे तफर्रग ली इबादती, सोनिया मेरी इबादत वास्ते फारग हो जा। अल्लाह फरमा दे ने अम्ल उसदुरा का अम्लाऊ सदोरा का गिना, मैं तेरे सीने नू गनी कर देंगा तवंगरी नाल भर देंगा। तेनू जरूरत ही नहीं पैनी, तेरे अंदरों सीने जरूरत ही महसूस नहीं होनी तेनू किसे चीज दी, इतना दे देंगा इतना तवंगर कर देंगा इतना अमीर कर देंगा दौलतमंद बना देंगा। हाँ हाँ सुबहान अल्लाह। ये हदीसे पाक हदीसे कुदसी है ना सही सनद नाल जिहड़ी मैं बयान कर रहा, ये ते दौलतमंद होण दा बहुत प्यारा नुस्खा है। अमीर तरीन बंदा बन जाए दौलतमंद हो जाए, अल्लाह अकबर, किसी चीज़ की जरूरत ही ना रहे ते उस तो वड्डा दौलतमंद किवें कौन हो सकता है। अल्लाह तेरे सीने नूं गिना नाल भर देवे, हैं गनी हो जाए तू। अल्लाह हुण ते लखां ते करोड़ां तो एक गनी मिलेगा ना, है जी गनी एक मिलेगा, लखा करोड़ा बंदे तलाश करो, लेकिन अल्लाह की इबादत वास्ते अगर असी वेले हो जाइए सिर्फ रब की इबादत का सानू बहुत बड़ा फिक्र होवे। अल्लाह कहिंदा सोने तेरे सारे फिक्र ही मैं दूर कर देंगा, बस इतना काम कर लै सोने। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस वास्ते ते मैं अर्जे कर रहा, अल्लाह सोने फरमा दे ने गल ते इंज दिए दिल कर दे, दो चार नहीं दस वारी बार बार इनू पढ़ी जाओ। मेरे नबी सल्लल्लाह सल्लम दी खताबत दा तरीका ये होया करदा सी, प्यारे नबी सोने अक्सर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम अपनी एक बात नू तीन मरतबा दोहरांदे ताकि चंगी तरह याद हो जाए ज़हन नशीन हो जाए। उस वक्त ना ते कोई रिकॉर्डिंग दा काम होंदा सी, ना बयान कर दिया जनाब कोई तहरीरी निजाम ऑटोमैटिक जड़ा रिकॉर्ड हुंदा चला जावे लिखींदा चला जावे, नहीं नहीं नहीं, बस लोग तवज्जो नाल सुनदे सन। मेरे नबी दे बयान करने दा तरीका इंज दा होया करदा सी, अल्लाह दे प्यारे नबी ठहर ठहर के कल्ला कल्ला जुमला। हुण जिहड़ा गड्डी चला दे कहिंदे बल्ले जी बल्ले, तकरीर ते होई ना साह ही नहीं लिया किसे बन्ने वेख्या ही नहीं, जो शुरू होया ते कर चलदा आखर ते ब्रेक उदों लाई जदों पता ही नहीं लग्या किसे नूं। हां जी किसे गल दा भी नहीं पता लग्या कि मौली साहब की करदे रहे ने। अल्लाह इंज नहीं सुनिया, इधर वेख मेरे नबी सल्लल्लाह सल्लम खिताबत दे इमाम सन, मेरे नबी जैसा कोई दुनिया ते खतीब नहीं आया, मेरे नबी जैसा कोई दुनिया ते अदीब नहीं आया। मैं खैरुल कलाम मा कल्ला व जवामिउल मेरे नबी सल्लल्लाह सल्लम लेके आए नाल फरमाया है जी, वड्डी सारी बात नू बहुत वड्डी बात नू थोड़े जुमलियां दे अंदर पेश कर देना। अल्लाह ताला ने मैनू इजाज बख्शी है वला फखारा, और इस बात ते मैं फखर नहीं करदा, मेरे अल्लाह दी अता है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। प्यारे नबी दी हदीस है मैं जेड़ी सुनाई। अल्लाह जी 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 मेरे नबी सोने ने फरमाया, अल्लाह कहंदा ए इब्ने आदम, गल याद कर लो, ए इब्ने आदम तफर्रग लिइबादती,
मेरी इबादत वास्ते तू फारग हो जा। अल्लाह कह रहे है अमला उसदरा का गिना, मैं तेरे दिल नू तवंगरी नाल भर देंगा, गनी कर देंगा। अगर ये जन्ना कीता दुनिया दे धंधियां नू तरजीह दित्ती, मेरी इबादत दी परवाह नहीं कीती। अल्लाह कहंदा तेरे सीने नू जरूरतां दे नाल भर देंगा। है जी दिन जितना मर्जी लंबा हो जाए, उम्रां जितनियां मर्जी हो जान, तेरियां जरूरतां मुकड़ गियां नहीं, तेरियां हाजतां खत्म नहीं हो गियां। हर वेले एक फटीक पै गई अगली, दूसरी फटीक तो बाद तीसरी, हर वेले फटीकां ही चढ़ियां पईयां ने, बस दिल अंदर होर कोई इरादे ही नहीं। अल्लाह कहंदा तू मेरी इबादत तो मुख मोड़, वेख तेनू इतने वक्त पै जाणगे, इतनियां मुसीबतां, इतनियां तेनू जरूरतां तेरियां पैदा कर देंगा, तेरा सीना जरूरतां दे नाल भर देंगा। अंदाजा लगाओ, कदी गौर ते करो ना, रब नाल ताल्लुक जोड़ सोनिया। दिल दा ताल्लुक रब नाल हुंदा, किसे दूसरे नूं पता ना लगन दे। दूसरे नूं पता चल गया ताल्लुक आदा होया, रब दे राज राज रखी देने सोनिया, फिर ते तेरा ताल्लुक है, फिर तेरी इबादत है। अगर दुनिया नूं विखाण वास्ते नमाज पढ़े, हकीकत वास्ते एक बंदा इंज दा वेखिया, पहली सफ दा नमाजी जदों गए हां, जदों भी गए हां, पहली सफ अंदर उन्हां नूं पाया, लेकिन दुनिया जानदा डाकू, दुनिया जानदा चोर, कोई बंदा जिंदगी च एक वारी उहदे नाल कोई सौदा करेगा, एक वारी चीज लैण देण करेगा, मुड़ के पूरी जिंदगी उहदा नाम एक गाली दे तौर ते इस्तेमाल कर सकदा, वरना उहदा नाम नहीं लै सकदा। है जी इस तरह का बंदा जिहड़ा किसे नूं माफ ही ना करे, सौ घर डैण है ना, जिहड़ी सौ घर खा जांदी है, कहिंदे ने इक उह वी छड़ जांदी है, पर उह एडा नमाजी, एडा पहली सफ दा नमाजी, अल्लाह अकबर, उहने सौ चों हज़ार चों वी इक छड्डण दा गुनाह समझिया होया। दसो ओहदी नमाज है, अल्लाह की कसम खा के कहना मैं उस बंदे दा नाम ही जानना, उहदा घर बार जानना, उहदा बिजनेस जानना। है जी उहने तुहाडे कारी नूं वी डंग मारन तों ग्रेज नहीं कीता, ते फिर हज करन टुर गया। ओ हज कर, हज करदा इरफात दे मैदान अंदर मेरे कोलों मसला पुछदा पिया, इरफात दे मैदान च मसला पुछदा, ओ मैं आख्या तू हज करन गया, वह अल्लाह दे बंदे तेरे कहदे अज मेरे 15-20 मिनट उन्हें जाया करते, मेरी नमाज भी लेट करती, जोर की नमाज पढ़ने वास्ते किसी मस्जिद दाखिल होया, उहदा फोन आ गया, कहिंदा कारी साहब मैनू यह मसला दसो। मैं आख्या मसला मैनू दस तू, है जी तू सारी दी सारी रोजी तेरी आराम दी, है जी साढ़े वर्गे गरीब गुरबियां दा सारा झूठ बोल के फराड करके चक्कर दे के सारा पैसा कमाया, कोठियां बनाइया, अज ते जा रहे हैं, अल्लाह दे बंदे तेरा कहदा अज। मैं क्या ये पैसे किसे दे देने सन, उन्होंने दे जिन्हों के देने बनते हैं, एवं अज कर टुर गया अपनी, ना तेरी नमाज था ना तेरी अज, अल्लाह के बंदे मैं खा भी 15-20 मिनट मेरा उन्हें सिर खाधा, तो बार क्या कोई अगो बोल ना सकिया, क्योंकि रंगे हथों पकड़िया होया है। हाँ जी फड़िया होया सी, मैं तो रंगे हथों फड़िया है जी, तो फिर अज तक ये बावजूद भी अज भी करके आ गया, फिर उस तो बाद उमरे भी कई किए हो गए, होर भी अज शायद किए हो गए, साडा तलक नहीं गल कर मकसद। हाँ जी वह बंदा अजे भी फिरदा बेनियाद, किसे बंदे का रुपया उन्हें 10 लाख देना, 20 लाख देना, 2 लाख देना, 4 देना, किसी का 1 रुपया देने का ना नहीं लेंदा, तो अज तो अज की जाता है, सजदे तो सजदा जनाब पहली सफ तो कभी कजा नहीं करता, नमाज नमाज पहली सफ च पढ़नी इमाम के पिछे। हुण दसो कादी मुसलमानी रह गई यार, की हो गया, किधर चला, कितना साडा लोगों का ईमान कमजोर हो गया। अलगर्ज मैं तां बात दसी है कि तुसीं इह ना समझिया जे कि शायद ये गल एवें माड़ी जी अपने कोलों ही कोई करी जांदे ने, मैं तां गल दसी है, वजाहत थोड़ी जी कीती है, वरना मैं वजाहत करदा भी नहीं एडी, अल्लाह अकबर, क्योंकि बंदे शक्की बंदे बहुत ज्यादा होंदे ने, पता नहीं यार एवें ही मौलवी साहब साढ़े कारी साहब पड़ोली मारी जाते हैं, पड़ोला मारन की तौफीक ना देवे, कभी सोचा भी नहीं, है जी मारना तो बड़ी दूर की गल, है जी पड़ोल नूं परा दे मारी दे, अल्लाह परा नूं दे मारी दे, अल्लाह दे फज़ल नाल अपने कोल रखी दे ही नहीं, अल्लाह अकबर। इस वास्ते मैं अर्ज़े कर रहा, सुनिया गल समझ लै, बात पल्ले बन लै, अगर अगर तू वो वेखो ना, रात नूं गोलियां खा के सौंदे ने वो बंदे, गोलियां खा के उन्हां नूं होश तक नहीं होंदी, इतनियां मुसीबतां पै गईयां, हराम रोजी, अल्लाह की इबादत तो मुख मोड़ना, वो जिहड़ी हराम रोजी नाल इबादत की जाए इबादत नहीं, क्यों जी नमाज नमाज नहीं, हज हज नहीं, रोजा रोजा नहीं, पहले अपनी रोजी का इहतमाम कर, हलाल रोजी कमा, एक साल भी पूरी जिंदगी के अंदर उम्रे ते भी नहीं जा सकिया, ते हज ते भी नहीं जा सकिया,
हाँ जी, लेकिन तेरे इत्थे फिरदे दे अज ही अज ने, रोज तेरे उमरे ही उमरे ने। अगर तेरी रोजी हलाल है तेरिया औलादा नेक हो जाएगियां, अगर हलाल रोजी हलाल नहीं तो याद रखो अगो नस्लां ही सारियां बर्बाद हो जाएगियां। अपने मामले नूं दुरुस्त कर लईए, असीं अपने अकीदे नूं सोहणा कर लईए। खालिस तौहीद अकीदा, खालिस तौहीद वाला शिरक तो पाक अकीदा बना लै, अपने अमल अंदर मेरे नबी दी सुन्नत नूं सजा लै, और जनाब रिज़्क़े हलाल ते सिदक़े मकाल दी आदत बना लै, अपना लै, ते फिर वेख अल्लाह दी मेहरबानी नाल के किस तरह अल्लाह तेरे ते राजी हुंदा है, किवें तेरी जिंदगी च सुकून आंदा है। सुकून लभदे फिरने असीं अपनियां मर्जियां करके अल्लाह सोहणे नूं छड्ड के, सुकून नहीं लभेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया अल्लाह दी याद नाल अल्लाह दे ज़िक्र नाल दिलां नूं इत्मीनान पहुँचाओ, इत्मीनान चाहते हो। अल्लाह फरमाते ने फारग हो जाए इंसान आदम दे बेटे ली इबादती, बस तेरिया मौजा ही मौजा ने। अगली बात सुनदा रहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सोने दा पहला हक अल्लाह दा हकूकुल हकूकुल्ला दे विचों हकूकुल्ला, अल्लाह दे हक जेड़े अल्लाह दे हक ने उन्हां चो पहला हक एक है कि अल्लाह दी तौहीद अपना ले। हर नबी नू सब तो पहले अल्लाह दी तरफों हुक्म ए होया है, हर नबी ने आख्या अपनी कौम नू, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, ए मेरी कौम अल्लाह दे अलावा किसे होर दी इबादत नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह सोने दी इबादत करनी है अपनी कौम नू। ए बात सुनाई हर नबी ने, अगो नबी तो बाद अंबिया दे वारस जो उलमा होया करदे ने वह भी सुनाते रहते ने, बार बार बयान करते रहते ने। लोगो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत ही करनी है, अल्लाह की इबादत तो बगैर किसी होर की इबादत नहीं करनी। गैर अल्लाह नू नहीं पूजना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे अल्लाह करीम रहमतां दे मीह बरसा देगा। दूसरे मुकाम से अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते ने वमा अरसलना मिन कब्लिक मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। अल्लाह फरमा देने हैं जी, नहीं भेजिया मेरे महबूब पैगंबर तुहाडे तो पहले कोई एक भी रसूल, यानी तुहाडे तो पहले एक भी रसूल इंज दा नहीं भेजिया, इल्ला नूही इलैहि, मगर वही की ओदी तरफ असी, यानी फई केड़ी की अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदू। अल्लाह ने यह हुक्म दिता है बस कि अल्लाह दे अलावा कोई मबूद नहीं है, कोई नहीं मबूद, कौन है मबूद, इल्ला मगर आना, अल्लाह फरमाया आना मैं फबूदू,
बस नून दे थले आखर ते ऐत खत्म हो रही है जड़ा रुकना है नून दे थले जेर आएगी असल अंदर फाबुदूनी जेर दलालत कर दिए दे बाद याए मगर जनाब हजफ कर दी थी कि सिकल दी वजह करके फाबुदून रह गया यानी मेरी इबादत करो फाबुदून बस बस मेरी इबादत करो फा भी आ गया। अल्लाह ने फरमाया जदो मेरे अलावा कोई इलाह नहीं मेरे अलावा को मुश्किल कुशा नहीं मेरे अलावा को हाजत रवा नहीं मेरे अलावा कोई बिगड़िया बनाने वाला गुलादा देने वाला कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं आना सिर्फ मैं ही अल्लाह कहंदा है फाबुदू फरमाया मेरी इबादत करो। जी जी अल्लाह सोना कह रहे है आओ फिर सही बुखारी शरीफ दी हदीस समात फरमा लो मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद आवाज आवे फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे नबी ने हजरत माज बिन जबल को पूछया अपने साहबी माज बिन जबल मेरे नबी उन्हें को पूछते ने माज क्या तू जानना है अल्लाह दा हक बंदिया ते की है और बंदिया दा हक अल्लाह ते केड़ा है हुकूकुल्ला समझो हुकूकुल्ला माज बिन जबल को मेरे नबी ने पूछया क्या माज जानना है गल समझाण दा भी मैं कोई सवाल करा थोड़े को फिर वो गल दसा यानी जेन नशीन पहले सवाल करके जेन हाजिर कर लिया जाए और फिर बात दसी जाए। मेरे नबी ने हजरत माज नू पूछिया माज मेरे माज क्या तू जानना है अल्लाह दा हक बंदिया ते की है यानी बंदे अल्लाह वास्ते की करन अल्लाह दा हक बंदियां ते की है बंदियां दी की ड्यूटी अल्लाह दा हक अदा करने वास्ते और बंदियां दा हक अल्लाह ते की है अल्लाह ते केड़ा है ठीक है। हजरत माज बिन जबल अर्ज कर देने अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही बेहतर जान देने अल्लाह जानदा है बेहतर हाँ जी आलम आलम अल्लाह व रसूलहू है जी अल्लाह सुने ज्यादा अल्लाह जानता या उदा रसूल जानता की मतलब अल्लाह ते आलमुल गैब ही है ते रसूल सुने वही तुहाडे ते उतरदी अल्लाह ने तुहानू दस्या होगा तुसी जानते होगे होर कौन जानता है मैंने तो नहीं पता इस बात का। जी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन सुने सुन फरमाया मेरे नबी ने वह قل عبادي على الله اوہ سبحان اللہ इस तो पहले मेरे नबी दा इरशाद ग्रामी है अल्लाह दे नबी फरमा देने अल्लाह दा हक बंदियां ते एक है कि बंदे अल्लाह दे इलावा किसे दूसरे नू ओदे नाल शरीक ना ठहरावन अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक किसे शय नू ओदे नाल शरीक ना कीता जावे अल्लाह नू हर मामले अंदर कल्ला 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 ही समझना चाहिदा है। सुनिया फिर है ए बंदियां दा हक यानी बंदियां ते ए हक अल्लाह दा के बंदियां नू चाहिदा है कि अल्लाह दी ही इबादत करन अल्लाह दी तौहीद इंज दी मन्नन के जात विच भी अल्लाह नू कलिया समझण ला शरीक समझण वादा उला शरीक अल्लाह है सिफतां दे विच भी अल्लाह वादा उला शरीक है उदा कोई शरीक नहीं ए ते हक यानी अल्लाह दा बंदियां ते जनाब बंदियां दा हक अल्लाह ते केड़ा है सुन जरा फरमाया हुआ हक्कुल इबादी अल्लाह और फरमाया बंदियां दा हक अल्लाह ते एक है कि अल्लाह युअज़्ज़िबु
كذب من لا يشرك به شيئا کہ جیڑے بندے او دے نال کسے ایک نوی کسے شے نو شریک نہیں کر دے اللہ دا اللہ تے اے حق ہے بندیاں دا کہ لا یعذب اللہ انہاں نو عذاب نہ دےوے اے جی اللہ دا سمجھائی نا اے بندیاں دا حق ہے اللہ تے جیڑا بندیاں دا حق ہے کہ بندے اللہ نال کسے نو شریک نہ کرن تے ہاں جی اللہ دا بندیاں واسطے کی حق ہے اللہ تے کی حق ہے بندیاں دا کہ پھر اے ہو جے بندیاں نو جڑے شرک نہ کر دے انہاں نو اللہ عذاب نہ دے اے جی حدیث اللہ اکبر اللہ اللہ صحیح بخاری شریف دی حدیث اللہ دی توفیق نال سن ذرا توجہ دے نال ہیں جی حقوق اللہ اللہ دے حقوق سماعت فرماؤ ایویں تے نہیں میں قرآن پڑھیا اللہ کریم نے فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه کہ تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے عبادت عبادت صرف اسے کلے اللہ دی اللہ دے علاوہ کسے اور دی عبادت نہیں کرنی تیرے رب دا فیصلہ یہ دے اندر خطاب تے میرے نبی نو خاص کیتا جا رہا ہے حکم دے اعتبار نہ لے آیا تاں جیڑا رب میرے پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اوہی رب میرا تے تیرا پھر مینوں تینوں انج لگدا ہے کہ کا رب کا زبر کا یہ جڑا کائنا خطاب دی ضمیر ہے جویں اللہ ساری مخلوق نو سارے نوئی اللہ حکم دے رہے ہیں اللہ کریم خطاب فرما رہے نے عام حکم دے اعتبار نال عام ہے خاص میرے نبی نو خطاب ہو رہا ہے ہن تے انج لگدا اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے انج لگدا جویں عرش والا مینوں تینوں ہی خطاب کر رہا ہے ترجمہ تے ویکھو نا وقضا ربك تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا اياه اے جی فیصلہ تیرے رب دا ہیں جی کہ عبادت صرف اللہ کلے دی کرنی ہے اور کسے دی عبادت نہیں کرنی ہے جتنیاں بھی اللہ دیاں مخلوقاں نے اللہ نے انہاں نوں پیدا فرمایا کلے اللہ نے کوئی پوری ایڈی وڈی زمین چو اتنے بڑے نظام دی تے دور دی بات ہے کسے بندے نے مٹی دا ریت دا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیتا ہیں جی ایک سوتر برابر جگہ بڑی دور دی گل ہے انچ یا دو انچ یا گز تے بڑی دور دی گل ہے ایک ذرہ کسے دوسرے نے نہیں بنایا تے جدو صاحب سب کچھ بنانے والا ہر چیز دا خالق اللہ کلائی ہے تے پھر سونے آن عبادت بھی اسے دا حق بن جائے کہ وہ دی ہی عبادت کیتی جائے کوئی شریک نہیں نا پھر عبادت دوسرے نو شریک آدھا بنانا ہاں جی اللہ دیاں مخلوقاں نو رب دا شریک بنا لینا اللہ دیاں مخلوقاں دی اندر ہاں جی رب والیاں صفتاں کو داتا بنائی پھر دائے کوئی پتر دین والا کوئی اولاداں دین والا کوئی رزق دین والا کوئی جناب بگڑیاں بنان والا کوئی دولتاں دین والا نوٹاں والیاں سرکاراں بنیاں پھر دیاں نے سرگو دے اندر نوٹاں والی سرکار نہ ہی ایسا رکھا لوگ نوٹ دا نہ سن کے لوگ ڈگ دے جو بہت رہے لوگ مردے جو بہت رہے بعد نوٹاں والی سرکار کہندے ہیں ایتھوں نوٹ ملن لگے تے جاندے نے دیکھ کے آندے نے مولانا محمد شریف الہبادی یاد آ گئے ہیں جی کہن لگے علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر تے لوگ جاندے نے لوگ انہوں داتا کہندے نے وہ کچھ دیندے نے یا لیندے نے ہیں جی انہوں داتا مولانا محمد شریف الہبادی فرمان لگے جے تے گھروں خالی برتن لے کے جاندے نے اتھوں بھر کے لے آندے نے پھر کچھ دیندے نے تے جے کر پرو دودھ دے گڑوے تے دودھ دیاں وڈے وڈے جناب ڈرم کرو پار کے لے جاندے نے تے خالی واپس لے کے آندے نے پھر کچھ لیندے نے سیدھی سیدھی گل ہے پھر کچھ لیندے نے ہے جی دیندے نہیں اللہ بڑی پیاری بات برکیف اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سن لو ہن سمجھ آیا اس ہے دا مفہوم وقضا رب
रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। जे फैसला तेरे रब दा, इबादत उसे कले रब दी करनी है। नाल ही फरमाया इय्याका नअबुदू, नमाज ते हर रकात ए पढ़े, उस तो बाद कह दे नहीं, वह भी दिंदा वह भी बिगड़ी बना, वह भी बना, मसले तो बैठा ही फड़ोल मारने शुरू कर देवे, झूठ सारे जान दे झूठ बोल के लोगों नू शिरक ते लाना शुरू कर देवे। ए बात नहीं ना सोने, तू नमाज वेच होवे, बाजार वेच होवे, घर होवे, बाहर होवे, जिते भी होवे, बस एहो ही अकीदा बना, इय्याका नअबुदू व इय्याका नस्तईन। अल्लाह असी खास तेरी ही इबादत करने आ, तेरे तो ही मदद मंगने आ। ते जिन्हू पता नहीं ना इसका तर्जमा नहीं जानता, वह भावे 100 वारी पढ़े, है जी एक बंदा ऐसा है उन्हें 1000 वारी पढ़ी है, क्यों जी 1000 वारी हर वेले जेले मैक ते आना जेले दुनिया जान इया का ना बोध भाइया का नस्ताइन पढ़ के, है जी ते जाके फिर है जी वह इतने पाक पतन जाके सजदे भी कर देने। तर्जमे का नहीं ना पता, सिर्फ वैद ही पढ़नी, तर्जमे का नहीं पता, है जी ना सुनया मदीने की बस्ती का, लेकिन मदीने की बस्ती कहोजी होंगी ये नहीं पता, है जी बस कला ना सुनया तो मूँह चो कटता तो मदीने की बस्ती बन गई ना, ठीक है बनी पई है ना, तब्दीली भी आई पी है सारा कुछ। अरस अल्लाह की पनाह, या अल्लाह माफ़ फरमा, या अल्लाह सानू माफ़ कर दे जी, अल्लाह को माफिया मंगो, साढ़े आमाल है बदअमलियाँ जड़िया ने साड़िया, उन्होंने नतीजा है कि हर हुक्मरान गंदे तो गंदा, गलीज तो गलीज, गंदे तो गंदा हुक्मरान आंदा। खुदा की कस्मे ना अल्लाह तो अल्लाह के रसूल का लेंदा, ना मदीने की बस्ती का लेंदा, और ना जनाल कहता ना ना अपना इंसाफ रखता, और जनाब बेइंसाफियां दुनिया जान दियाँ करके अल्लाह की पनाह जो दिल आंदा करता, जो दिल आंदा करता, जो हुकूमत को आ जाती सारा कुछ ही भुल जाता है जी। अल्लाह जी मेरे सोने वीर, अल्लाह तो माफ़ी मंगो, अल्लाह अगे अर्जा करो, अल्लाह अगे गिड़गड़ाओ, ताकि अल्लाह सोना योजना मुसीबतों तो अल्लाह सू नजात अता फरमाए, और जनाब योजे हालात अल्लाह तला साढ़े तो दूर कर देवे, साढ़े हालात बेहतर कर देवे। इधर वेखो और लोगो, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया कि शिरक इंसानी फितरत के खिलाफ है। मेरे नबी सल्ला वसलम ने फरमाया मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम के मुताबिक पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिहि वयुनस्सिरानिहि वयुमज्जिसानिहि, और उदे वालदैन उन्हों यहूदी बना देंदे ने, ईसाई बना देंदे ने, मजूसी बना देंदे ने। अल्लाह अकबर, कौम ने हजरत नूह अलैहि सलाम की कौम ने अपने बुजुर्गों दिया उन्हां दी याद वास्ते मूर्तियां बनाईया, और जनाब उन्हां दी याद करदे सन, वेखदे सन मूर्तियां बनाईयां, और जनाब उन्होंने इबादत नहीं की, उन्हां दी बस वेखदे सन ते याद ताज़ा करदे सन। जदों मूर्तियां बनाण वाले फौत हो गए ते बाद वाली मखलूक ने उन्हां तो बाद जाण वालियां ने उन्हां दी पूजा शुरू कर दिती, इंज शिरक दी इब्तदा होई है, इंज शुरू हुंदा है शिरक। अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, शिरक अल्लाह ने मुआफ नहीं करना, शिरक तो अलावा जो कुछ है अल्लाह मुआफ कर देगा, अल्लाह ने वादा फरमाया है। नाल ही अल्लाह करीम ने फरमाया व मैं युशरिक बिल्लाहि फकद इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, जिस बंदे ने शिरक किया उन्हें से अल्लाह ते बहुत बड़ा झूठ बोले है, बहुत बड़ा इफ्तरा बने, यानी बड़ा वड्डा इल्जाम लाया अल्लाह सोने ते। इस तरह ये पूरी आयत इतो सूरत निसा दी है, तो बाद अल्लाह करीम ने सूरत जनाब ये सूरत निसा दी एक होर आयत अंदर 116 नंबर आयत अंदर ये वही आयत पूरी बयान करके आखिर ते फरमाया फकद ज़ल्ला ज़ला
عالم بعیدا او تے بندہ ڈگ گیا گمراہ ہو گیا تے دور دی گمراہی اندر چلا گیا بھائی دور نو کہندے نے قریب نیڑے نو بھائی دور ہے اللہ اکبر ایویں تے نہیں اللہ کریم نے فرمایا اگے چل تے سورت مائدہ دی ایت نمبر 72 دے اندر کیا کیا رنگ بھرے اللہ سونے نے اللہ فرما دے نے اللہ کریم دا اعلان ہوندا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ اللہ فرما دے جس بندے نے شرک کیتا شرک دی حالت اندر مر گیا او دے واسطے جنت حرام ہو گئی وَمَأْوَاهُ النَّارُ اُدا ٹھکانہ جہنم بن گیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور اس دن ایک ہو جے ظالمات مشرکہ واسطے کوئی مدد نہیں ہوئے گی کوئی اللہ دی طرف ہو کوئی انہ دی نصرت یا مدد نہیں ہوئے گی ایویں تنی سورہ انعام دی ایت اندر 82 نمبر ایت اندر کمال نہیں ہو گئیاں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وهم مہتدون فرمایا جڑے لوگ ایمان لے آندے نے تے ایمان دے نال شرک نو خلط ملت نہیں کر دے نال شرک بھی نہیں کر دے ایمان لے آن تو بعد اے ہوئی لوگ نے جڑے امن اچ داخل ہو جانگے امن دا مطلب جنت ہے جنت امن والی جگہ ہے اے ہوئی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے بخاری شریف دی حدیث دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کول جبریل آئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے راوی نے جبریل آئے آ کے کہندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا فبشرانی جبریل نے مجھے بشارت دی بشارت کیڑی دتی سونے ہاں جی اللہ دے نبی فرمایا میری امت چوں جڑا بندہ اس حالت اندر مریا اس نے شرک نہیں کیتا داخل الجنہ لا لا حقوق اللہ چو ایہو جا بیان تے سال چک دو وری ہونا چاہید ہے اسی وی وی پچی تی تی سال گزر گئے 35 سال اسی نہیں بیان کر سکے سنے بیان کرنے چاہید نہیں ہو جے بیان عقیدہ ہے تے باقی ساریاں چیزیں عقیدے جان گیاں اللہ اکبر اللہ جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے نے جدو جبریل نے کیا نا کہ جنہیں شرک کیتا نہیں کیتا تے مر گیا جنت داخل ہوئے گا آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقہ اگر انہیں زنا بھی کیتا ہوئے تھے چوری بھی کیتی ہوئے جبریل علیہ السلام فرمان لگے جی اللہ دے پیارے محبوب اللہ نے فرمایا و ان زنا و ان سرقہ اگر انہیں زنا بھی کیتا ہے یا انہیں چوری بھی کیتی ہے پھر بھی جنت وچ جائے گا یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ چور بن جائے یا زانی استغفر اللہ اتنے اتنے بڑے گناہ نے نہ تو بچنا مطلب یہ ہے کہ شرک سب تو بڑا گناہ ہے شرک معاف نہیں ہونا تے باقی گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا چاہے گا اودی سزا دے گا ہاں جی ایک نہ ایک دن سزا بھگت کے جہنم چوں نکال کے جنت وچ داخل کر دیتا جائے گا جنت وچ جڑے شرک نہیں کیتا او جنت وچ داخل ہوئے گا بخاری شریف دی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قیامت والے دن ہاں جی اللہ اس بندے نو پوچھے گا جنوں سب تو ہلکا تے ہولا عذاب دیتا جائے گا اللہ پوچھے گا آج تیری روح زمین دا جتنا رقبہ جتنیاں چیزاں جتنی مالیت دیاں چیزاں ساریاں تینو دے دیتیاں جان تیرے ہینڈ اوور کر دیتیاں جان کہ تو انہ دا مالک بن گئے ہیں تے آج تو پسند کریں گا کہ عذاب تو جڑی نجات حاصل ہو جائے یہ پسند کریں گا وہ کہے گا ہاں ہاں اللہ کہے گا او میرے بندے تو اجے باپ دی پیٹھ اندر سے تے میں میرے نال تو وعدہ کیتا سی تینو دسیا گیا سی کہ شرک نہیں کرنا تو وعدہ کر کے ہاں جی فرمایا فابیتا الا الشرك تو انکار کیتا او وعدہ پلا دیتا تے شرک ہی کردا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ حقوق اللہ اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا سبحانک اللہم و بحمدک